दरअसल देश ने देखा ये एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही सड़कों पर आ जाती है। ये एक ऐसी सरकार है जो कुछ भी होता है कहते हैं कि नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। एक ऐसी सरकार है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी उनकी हत्या कराना चाहते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसका उदय आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण सरकार जनहित से क्या कहीं दूर दिख रही है। क्या संविधान का सही समझ अब होनी काफी जरूरी है, क्योंकि एक कोर्ट ने अगर क्वेश्चन किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना, और सुप्रीम कोर्ट अगर वही बात बोलता है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, तब क्या करेगी केजरीवाल सरकार। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, इनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे साथ दिल्ली से कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी अग्रवाल साहब हैं, लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर सीबी पांडे, और इसके अलावा स्टूडियो में टीम अन्ना की पूर्व सदस्य रही और कोर कमेटी में रही सुनीता गोदारसा। आप सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि संविधान की बात हो गई, संविधान की दुहाई देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, तो सीबी पांडे साहब ये बताइए जो केजरीवाल चाह रहे हैं क्या वो कभी हो सकता है? संविधान इस पर क्या कहता है? नहीं, वो जो चाह रहे हैं वो तो बात हो सकता है या नहीं हो सकता ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि उस पर भी जब तक पार्लियामेंट नहीं तैयार होगा, उनको संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक वो स्थिति उनको नहीं मिल सकती है। जो चीज़ उनको समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि दिल्ली जो है वो कोई राज्य नहीं है, जैसे अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राज्य का हैसियत नहीं है, वो वास्तव में एक यूनियन टेरिटरी है। और चूंकि यूनियन टेरिटरी के लिए दिल्ली के लिए वो नेशनल कैपिटल है, तो इसलिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना के उसको स्पेशल पावर दिया गया है। मतलब है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसको एक स्पेशल पावर दे के, और आर्टिकल 239AA में ये प्रोविजन व्यवस्था की गई है कि दिल्ली के लिए ये स्पेशल स्टेटस। अब दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस मिला उसके नाते उनको अपना विधानसभा मिला, और तीन विभागों को छोड़ के जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, लैंड है, इसके अलावा वो जितने मामले हैं उसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन बाकी तो वो इसमें गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और जिसको कि जो वहाँ यूनियन टेरिटरी में हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दिल्ली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रखा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अलग से उन्होंने पावर दे रखा है। तो पूरा एक 1991 में एक कानून बना, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट के हिसाब के लिए, और उसमें सारे पावर डिफाइन कर दिए गए। उसमें भी पावर डिफाइंड है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या पावर है, लेजिस्लेचर कहाँ कानून बना सकता है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है क्या क्या कार्रवाई, कितने अधिकार कहाँ कहाँ अपना उपयोग कर सकती है। तो इस स्थिति में जो केजरीवाल की जो स्थिति थी वो ये समझते थे कि हम तमाम राज्यों की तरह से हम भी एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर में एक तरह से ऑटोनमस बॉडी है, जैसे और फेडरल स्ट्रक्चर में और स्टेट हैं, हमको अलग पावर मिले हुए, और जैसे अन्य राज्यों की तरह, यही उनका भ्रम था। इसीलिए हर मामले में वो समझते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो उनके सामने कुछ वो नहीं है, बल्कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा पावर है, जबकि सारे पावर जो रेगुलेट होंगे, जो भी अथॉरिटी उनको मिली हुई है, वो यूनियन टेरिटरी का अगर मान लिया जाए तो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है यूनियन टेरिटरी को। इनका जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ वो जो है नेशनल कैपिटल दिल्ली टेरिटरी एक्ट के तहत इनको पावर मिला है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के अलावा एक्ट जो प्राविधान आपके पास पावर है उसके अलावा कोई पावर है नहीं, तो इस पावर को अगर समझ कर करते तो ये कन्फ्रंटेशन नहीं होता। ये अलग बात है कि अपने स्टेट राज्य की दर्जा मांगे, अगर राज्य का दर्जा उनको मिल जाता है तब वो उनकी स्थिति अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह होगी, अन्यथा तो ये मैं समझता हूँ कि जानबूझकर केंद्र से ये एक तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि हमें ये कोई कहने को ना मिले कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पावर की कमी है। आप कहते हैं कि हमारे पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कैसे होगा जब पुलिस आपके साथ नहीं हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, वो पुलिस की डिपार्टमेंट है, तो वो जब आपको पास संविधान ने नहीं दे रखा है तो वो पावर आपको कहाँ से मिल जाएगा? उसी तरह आप खुद नोटिफिकेशन कहाँ से जारी कर जाएंगे? कोई भी नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर जारी करने का, आप बात वो समझ नहीं रहे हैं, चीजों को बहुत ही हल्के तरीके से यहाँ पर लिया गया, और ये पूरा टाइम बाइंग प्रोसेस है, और इसमें सबको पॉलिटिक्स यहाँ पर समझ में आ रही है। हम चलते हैं जेपी अग्रवाल के पास। जेपी अग्रवाल, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही है दिल्ली में, चीजों को पहले भी ऐसा नहीं है कि केंद्र और दिल्ली के बीच में लड़ाई यहाँ पर नहीं हुई है, मुद्दों को लेकर हुई है, फाइनेंसिस को लेकर हुई है, राजनीति भी हुई है, लेकिन ग्रेसफुली ढंग से हैंडल यहाँ पर किया गया है। ये तो लड़ाई और ही भयानक रूप यहाँ पर ले रही है, कोर्ट कचहरी की लड़ाई हो गई जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको नहीं लग रहा है एट सेटबैक जनता ही है? सर देखिए, निहारिका जी एक बात बिल्कुल साफ है कि जो आज कोर्ट ने तर्जुमा किया है वो कानून का तर्जुमा किया है। जिस समय हम दिल्ली में चुनाव लड़ने आते हैं तो हमें ये मालूम है कि किस व्यवस्था के अंदर चुनाव होने वाला है,
और हमारे अख्तियार क्या है। अगर कोई भी सरकार जो यहाँ बनती है उन कानून को नहीं मानती और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, वो अफसरों से टकराव करती है, वो पुलिस से टकराव करती है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी से टकराव करती है, व्यवस्था से टकराव करती है, इसका मतलब है वो दिशाविहीन सरकार है और उसे अपने काम का कोई अंदाज़ा नहीं है। आज जो कोर्ट का फैसला आया कोई मोदी जी की जीत नहीं है, ये कानून की जीत है। अब माफ़ करना, अगर कोई भी सरकार काम करना चाहती है तो उसे मना कर रखा है। 36,000 करोड़ का बजट हम छोड़ के आए थे, वो 36,000 करोड़ के बजट में क्या आपने सड़कें बनाई? क्या आपने जो राजनीतिक वायदे चुनाव से पहले किए थे, महिलाओं को सुरक्षा देने के, वाईफाई देने के, अनऑथराइज कॉलोनी में डेवलपमेंट करने के, वो कह रहे हमारे पास हक नहीं है, जो हमारी जेजे क्लस्टर है उनको मकान बना के देने के, सोशल वेलफेयर स्कीम का काम करना, आप उसका तर्जुमा तो कर नहीं पा रहे, आप उस पर तो काम कर नहीं पा रहे, तो आप कानून के दायरे में क्या चीज मांग रहे हो? जो आपको मिला हुआ है आप उसे पूरा नहीं कर रहे। आप बार बार टकराव की स्थिति पैदा करें, इसका मतलब है आपका विजन अच्छा नहीं है, आपको अपने रास्ते का मालूम नहीं, आप कभी चुने हुए नुमाइंदे रहे नहीं, और आपके रोज विधायक पकड़े जा रहे हैं किसी किसी कानून के अंदर, किसी आईपीसी धारा के अंदर। तो मुझे लगता है ये सरकार चलाने का सही तरीका नहीं है, और कोर्ट ने जो आज तर्जुमा करा है इनको उस कायदे के मुताबिक काम करना चाहिए, वरना माना जाएगा कि जान के अनार्की पैदा कर रहे हैं। सुनीता जी, दिल्ली की संवैधानिक स्थिति आप बच्चे बच्चे को पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या केजरीवाल को ही नहीं बात पता है? केजरीवाल गवर्नमेंट को नहीं पता है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल ये बारे में बोलते हैं, ठीक है ज्यादा शक्तियां चाहिए, लेकिन उस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है। मसला ये कि नजीब जंग भाई मोदी के आदमी है, दिल्ली पुलिस भी की हुई है, हर कोई भ्रष्ट है, हर किसी पे आरोप लगाकर आप अपने आप को एज में लाएं, ये टेक्निकली यहाँ पर पॉसिबल नहीं। और कोर्ट ने भी सही आईना दिखाया है कानूनन कि भाई एलजी सुल्तान है, एलजी ही बॉस है और वो है ही। चक्कर ये है कि आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, इनको सिंगड़ाने की आदत है, क्योंकि आंदोलन में जब कोई प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल रहा अन्ना आंदोलन, और इन ये जब आप पार्टी में आए तो ये इनको वो बात समझ में नहीं आ रही है कि आंदोलन एक अलग चीज़ थी, उसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, किसी को भी जो भी आपको गलत लग रहा है उसको गालियाँ दे सकते थे, लेकिन जब आप पार्टी बन गए हैं तो आपको सबसे पहले जनता के लिए सोचना है, और जो चीज़ नहीं है आपके पास, अगर पुलिस नहीं है, जैसा कि अभी बता रहे थे पांडे जी, पुलिस नहीं है आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बस मेरे पास पुलिस नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जबकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दिल्ली में जो कि एजुकेशन है, हेल्थ है, उसी की अगर हालत पहले की गवर्नमेंट ने क्या अग्रेसिवली नहीं निपटाई चीजों को? देखिए हाँ, मैं यहाँ 30 साल से रह रही हूँ दिल्ली में, मैंने कभी ऐसे सींग अड़ाई हुई गवर्नमेंट नहीं देखी, पहली बात तो। दूसरी बात कि काम करने को बहुत है, लेकिन सिर्फ उन्हीं में सींग अड़ाना कि क्योंकि ये हमारे अधिकार में नहीं है, पुलिस हमारे अधिकार में नहीं है, लैंड हमारे अधिकार में नहीं है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हमारे अधिकार में नहीं है, हमको चाहिए वो, तो ये तो वो बच्चा हो गया कि नहीं मेरे को तो वो ही वाली बारबी डॉल चाहिए, जो है उससे खुश नहीं है, जो है अगर उसमें काम करें तो हेल्थ में पूरा हेल्थ का डिपार्टमेंट और पूरा एजुकेशन का डिपार्टमेंट, एजुकेशन वाले इनसे खुश हैं, मैं टीचर से बात करती हूँ, लेकिन उसी पे कंसंट्रेट कर लेना। हेल्थ को कितना काम चाहिए, हेल्थ में इतना स्कोप है जो ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पुलिस चाहिए हमको, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट चाहिए, तो जो रूल है वो तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो सींग अड़ाने से राज्य नहीं चलता। दूसरी बात, राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देना सबसे खतरनाक होगा। अगर इसी तरह की पार्टी रही और केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी रही तो वहां सिर्फ यही होगा कि फिर पुलिस इनके अंडर में आ जाएगी, तो इसके ऊपर रेड मारो, उसको पकड़ो, ये करो, जांच करो, कुछ भी काम ना तो खुद करेंगे ना केंद्र को करने देंगे, और बेचारे केंद्रीय मंत्री भागे भागे फिरेंगे, कहां जाएं अब, तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली राजधानी है, या तो राजधानी बिल्कुल अलग हो जाए, बिल्कुल उसका अलग दायरा हो, उसमें दिल्ली सरकार जो मतलब दिल्ली राज्य हो उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो, फिर तो हो सकता है, अदरवाइज एक ही जगह दिल्ली राज्य भी हो और उसी में केंद्र सरकार भी हो, पॉसिबल ही नहीं है कि ठीक से काम होगा।